दौड़ा हूँ, हर जगह गया हूँ, क्षेत्र में लोगों से बात किया हूँ, तो हर लोग इस समय आक्रोश में है बीजेपी के खिलाफ। और समाजवादी यहाँ का मुसलमान खुलेआम इस बात को कह रहा है कि हम बिहार वाली गलती नहीं करेंगे, हम बंगाल की नकल करेंगे। जिस तरीके से बंगाल में ओवैसी को भगाया गया है, उसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में भेजें। चुनाव में किया विकास सेना के मामले में, हाथरस के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, तमाम इस तरीके के मामलों को लेकर विकास कर रहे हैं, अपराध को बढ़ा रहे हैं, अपराध ही उनका। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। हमारे साथ हैं शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव जी। हम उनसे बात करें उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चर्चा चल रही है इसमें, चाहे ओवैसी को ले लें, चाहे मायावती जी को ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश बीजेपी जो कह रही वो होने वाला है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में इसमें राजनीति कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने मन बनाया है, और सब मैं समझता हूँ पूरी जनता ने बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी उखाड़ कर फेंकने के लिए सभी लोग आज देख रहे हैं। पूरा पिछड़ा, पूरा दलित, पूरा माइनॉरिटी, पूरा व्यापारी, पूरा नौजवान, बेरोजगार, सब लोग एक साथ लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को जो आपने कहा कैसा देख रहे हैं, 5 साल से हम सब लोग देख ही रहे हैं, कुछ विकास किया है। विकास जैसे उन्नाव में किया विकास सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, तमाम इस तरीके के मामलों को लेकर विकास कर रहे हैं, अपराध को बढ़ा रहे हैं, अपराध ही उनका विकास है। छोटे छोटे दल जो है ये हमेशा चलाया है। आप देखे होंगे जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम था उनका, बंगारू लक्ष्मण थे, एससी समाज के थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो छोटा दल हो या बड़ा दल हो, निश्चित रूप से उनके नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े वर्ग के लोग, बड़ी बिरादरी के लोग, बड़ी पार्टी के लोग, राष्ट्रीय लोग, नेता लोग कुछ भी करेंगे, उनका नहीं होगा। कौन शामिल होता कौन नहीं शामिल होता अलग की बात है, लेकिन कोई भी शामिल हो उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ का मुसलमान, अभी मैं कल कई गांव में गया था मुसलमान गांव में, यहाँ का मुसलमान खुलेआम इस बात को कह रहा है कि हम बिहार वाली गलती नहीं करेंगे, हम बंगाल की नकल करेंगे। जिस तरीके से बंगाल में ओवैसी को भगाया गया है, उसी तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश से ओवैसी को भगाएंगे। अब कौन कहता कौन नहीं कहता, लेकिन जब मुसलमान लोगों में गया, मुसलमान बस्ती में बड़े बड़े गाँव हैं, राजापुर सिकरौर है, तमाम गांव हैं बड़े बड़े, लोगों ने यही कहा कि यहाँ हम लोग बंगाल की तर्ज पर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। हम लोग बिहार की तरह भूल नहीं करेंगे कि बिहार में ओवैसी की वजह से तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई है, वो गलतियाँ नहीं होंगी। नहीं, देखिए आजमगढ़ का जो सवाल है, आपने देखा 2017 में आधी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आजमगढ़ में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। सभी सीटों को समाजवादी पार्टी, कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जीता। यहाँ कोई मतलब नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का। और अब की बार मैं देख रहा हूँ, मैं तो घूम रहा हूँ पूरे हर पूर्वांचल, हर जनपद में, हर जनपदों की स्थिति ये है कि यहाँ पर अगर 2-4 सीट 4-6-10 जिलों में निकाल लेकर भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत बड़ी बात होगी। जो दिखाई दे रहा उत्साह लोगों में, उस उत्साह से ये मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इधर आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, बनारस मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, फैजाबाद मंडल, बस्ती मंडल, इन मंडलों में एक मंडल में 1-2 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी जीत उसकी मानी जाएगी। एक तरफ से विरोध हो रहा, हर लोग विरोध कर रहे हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अलग बात, बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, लेकिन जब मैं दौड़ा हूँ, हर जगह गया हूँ, क्षेत्र में लोगों से बात किया हूँ, तो हर लोग इस समय आक्रोश में है बीजेपी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब वो ये कह रहे हैं, आम जनता ये कह रही है कि अगर हम लोग बीजेपी को नहीं हराएंगे, नहीं भगाएंगे और समाजवादी पार्टी को नहीं जिताएंगे, सरकार में नहीं लाएंगे, तो इस देश से लोकतंत्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान दोनों समाप्त हो जाएगा। मैं दलित बस्तियों में गया था, दलित के लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि पहले हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है,
हमारे बाबा साहब का संविधान अगर रहेगा तो हम तमाम मायावती जैसे लोगों नेता को पैदा कर लेंगे। तो संविधान बचाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है, बल्कि मैंने सवाल कर दिया कौन बचा सकता है इस समय, तो सीधे सीधे उन लोगों ने बस्ती में, दलित बस्तियों में कह दिया कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए हम सभी लोग अखिलेश यादव के साथ। आप उस पार्टी में शामिल इस नाते कह रहे हैं क्या? नहीं, पार्टी में नहीं, मैं जनता की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कल गया था, हमारे साथ तमाम लोग थे, उन लोगों की आवाज़ में बोल रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, देहात में कहावत है कि कहाँ जब गन्ना नहीं देगा तो कुल्हार में रस क्या देगा, कहावत है ना। जब गन्ने के खेत में कोई गन्ना मांगे चूसने के लिए नहीं देता है तो रस कुल्हार में नहीं देगा ना। तो जब एक कहावत और है कि बारात आई तो समधिम को जो कुछ और हो गया, वही स्थिति है कि अब सामने चुनाव है, 2 महीने में आचार संहिता लगने वाली है, तो फर्जी का जैसे चुनाव के आते समय लाखों लाख में वांड निकालते हैं और चुनाव हो जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता कोई वांड निकली थी या कोई भर्ती एक होना है कि नहीं होना है। तो इनके उद्घाटन से, इनके शिलान्यास से कुछ नहीं होने वाला है। उद्घाटन तो इन लोगों ने उस काम को किया है जो माननीय अखिलेश जी अपने मुख्यमंत्री काल में काम किए हैं, उसी को ये लोग दोबारा जो है उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, और शिलान्यास करने से कुछ नहीं होगा, जब पैसा आएगा होगा तब समझा जाएगा। 5 साल में जब नहीं कुछ किया है, 5 साल में केवल ठोकने का काम किया है, बलात्कारियों को बढ़ावा दिया है, आतंकियों को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, तो इसके अलावा कोई काम तो नहीं किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चुनाव गाने पर जो है ये क्यों लालीपाप दे रहे हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं, मगर जनता बहकेगी नहीं। जनता अपने लोकतंत्र और अपने संविधान की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से हर समाज का लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश जी के साथ है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। साहेब बघेल जी ने समाज को जगाने का काम किया, समाज को जगा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है सीधे सीधे बैकवर्ड विरोधी है, दलित विरोधी है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। इसलिए जब वो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं तो ये लोग उनको बंद करने का काम करेंगे। इतना नहीं, नहीं, जब उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का दौरा लगेगा तो ये लोग लॉकडाउन का भी काम करेंगे।